रेलवे ने भिवानी से कालका चंडीगढ़ के लिए फिर से भिवानी कालका एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा नौकरी पेशा लोगों को और चंडीगढ़ पीजीआई जाने वाले मरीजों को होगा। कोरोना महामारी के दौरान इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था, जिसको फिर से शुरू करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। इसलिए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। भिवानी निवासी पिछले 2.5 सालों से इस गाड़ी के लिए तरस रहे थे, जो कि चंडीगढ़ हर आदमी को जाना पड़ता है, चाहे सेक्टर जाना हो, चाहे पीजीआई जाना हो, चाहे हाईकोर्ट जाना हो, हजारों रुपए वेस्टेज होते थे। अब इस गाड़ी में जो है वो चंडीगढ़ का सफर आराम से कर पाएंगे। हम सभी का, रेल मंत्रालय का, सांसद धर्मवीर जी का, सांसद अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं। बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को इसका बड़ा सुविधा मिलेगी और लंबा टाइम से इंतजार था इस बात के लिए। भारत सरकार के रेल मंत्री वैष्णव जी, चौधरी धर्मवीर सिंह एम पी भिवानी महेंद्रगढ़ और डॉक्टर अरविंद शर्मा एम पी रोहतक, इन सब का बड़ा योगदान। और लोकल लेवल महावीर आलमिया जी ये बड़ी लड़ाई लड़े थे, आम जन को इसका बड़ा बेनिफिट होगा। बता दें कि ये ट्रेन भिवानी जंक्शन से चलेगी, जो रोहतक, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, चंडीगढ़ होते हुए कालका तक जाएगी। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी कालका एक्सप्रेस फिर से शुरू करने के लिए रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन चलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले भिवानी के लिए ट्रेन बंद होने के कारण इस रूट पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को अन्य वाहनों में ज्यादा खर्च करके आवागमन करना पड़ रहा था। वहीं सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने ये भी बताया कि अभी इस ट्रेन सेवा में कुछ खामियां हैं, क्योंकि पहले ये ट्रेन अपने समय के अंतराल में पहुंचती थी, लेकिन अब कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते जो ट्रेन 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचती थी, अब करीब 6 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचेगी। ये था क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहां से 152 सड़क बना दी, जो 3 घंटे में आदमी यहां से कार में बैठ के पहुंच सकता है। तो 6.25 घंटे अगर ये ट्रेन लेगी तो स्वाभाविक है फिर इस ट्रेन में जाने वाला सवारी है वो कहीं ना कहीं सड़क का इस्तेमाल करेगा। तो मेरी अभी अधिकारियों से बात हुई है कि आप अम्बाला डिवीज़न से और दिल्ली जोन से बात करके इस टाइमिंग को, जब पानीपत का 1 घंटा हमने बचा लिया तो भी अगर ये 6.25 घंटे लेगी तो वो वायबल नहीं रह पाएगी। इसलिए इस समय को किसी प्रकार से कम करके मैक्सिमम 4.5 घंटे तक कैसे लिया जा सकता है, ये हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की, क्योंकि ऐसी बात नहीं, हमारे सफिशेंट है डिपार्टमेंट भी, और मुझे लगता है कि इस चीज़ का ये तरीका निकाल लेंगे। क्योंकि अब तो गुवाहाटी जाने वाली जो पैसेंजर हैं, जो यहाँ से जिसने गुवाहाटी जाना है, रोहतक उसे ट्रेन बदलनी थी, मात्र 2 मिनट का फासले में वो ट्रेन भी निकल जाएगी। तो इसको दोबारा से इसका सही सिस्टम मैकेनिज्म कैसे हो, सभी सवारियों को फ़ायदा मिले, तभी उस रेल का ज़्यादा फायदा होगा। फायदा तो अब भी होगा, लेकिन जितना ज़्यादा फायदा होना चाहिए था, मुझे लगता है जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। बहरहाल चौधरी धर्मवीर सिंह ने रेल मंत्री और रेलवे विभाग के सामने इस समस्या को रखा और आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस ट्रेन की गति को और तेज किया जाए, ताकि यात्री कम समय में अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच सके। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।